दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार अपने आप में बहुत ही रहस्यों को समेटे हुए है। यह एक प्राचीन धरोहर है जो भारत की शान तो है ही, साथ ही साथ कितने सारे रहस्य ऐसे हैं इस मीनार से जुड़ी और इसके भीतर एक लोहे के स्तंभ से जुड़ी, जिसे शायद हम या आप नहीं जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास दी आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो कि विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 साल से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलते आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। जी हाँ, आपने सही सुना कि किसी लोहे की वस्तु में अगर पानी या फिर नमी दी जाए तो वह जंग पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग न लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है।